सबको जय मसीह की। मेरा नाम जसबीर कौर है। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे सुंदर मौका दिया है कि मैं अपनी टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले मैं अपनी माँ रंजीत कौर, जो मेरी पास्टर भी हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे प्रभु का वचन बताया। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ऐसी माँ उन्होंने मुझे दी है। मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि जो प्रभु को जब उन्होंने जाना तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुदावंद का शुक्र करती हूँ। उनके गांव में एक पास्टर साहब आए और उन्होंने पड़ोसियों के यहाँ पे खुदावंद का वचन चल रहा था, तो मम्मी ने गीत को सुना। गीत सुनने के बाद मम्मी को बहुत अच्छा लगा, शांति लगी, क्योंकि वो ये गीत था, दिल यीशु जी दे प्यार तो मिटावां किस तरह, ओ दे दुखे होए दिल नू मैं दुखावां किस तरह, दिल यीशु जी दे प्यार तो मिटावां किस तरह, ओ दे दुखे होए दिल नू मैं दुखावां किस तरह, दिल यीशु जी दे प्यार तो। तो उन्होंने जब इस सॉन्ग को सुना उनको बहुत शांति लगी। मेरी मम्मी बहुत अपने घर की लाडली है, बहुत रिच फैमिली से है, और उन्होंने जब प्रभु के सॉन्ग को सुना तो उनके दिल में शांति हो गई, क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में उनकी मैरिज हो गई थी। और मेरी जो नानी थी वो नहीं थी, बहुत बचपन में ही वो प्रभु के पास चली गई थी, तो नाना ने और मामा लोगों ने मम्मी को पाला, लेकिन बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शादी कर दी। मम्मी जो प्रभु के जैसे उनको सुना तो उन्होंने उनको बहुत शांति लगी, तो उन्होंने पास्टर साहब से कहा कि आप हमें भी ये गीत सिखाएं, समझाएं। तो पास्टर जी ने कहा कि ठीक है, आपको प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और ये गीत मैं आपको सिखा देता हूँ। फिर उन्होंने उनको गीत सिखाया और उन्होंने थोड़ा पास्टर जी ने थोड़ी प्रार्थना करनी भी उनको सिखाई। और थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद उनके साथ पास्टर जी फिर उनसे बात नहीं हो सकी, उनसे वो नहीं आ पाए पास्टर जी। और मम्मी जी को जो थोड़ा सा उन्होंने गाइडलाइंस दिया था प्रभु का, जो गीत बताया था, प्रवचन करना जो बताया था, उससे ही मम्मी उसी में लगी रही और वो प्रार्थना करती रही और वचन थोड़ा थोड़ा समझ में उसको आने लगा। और पास्टर जो जी थे वो नहीं आते थे, क्योंकि थोड़ा सा 2-4-5-6 विजिट हुई होंगी उनकी, ज़्यादा उनके साथ उनका टाइम नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद पास्टर जी नहीं आए, तो मम्मी ने जो उन्होंने गीत जो सिखाया था पास्टर जी ने, और जो वचन सुनाया था, मम्मी को सिखाया था, प्रार्थना करनी सिखाई थी, उसी के ऊपर मम्मी ने बहुत विश्वास किया। इतना विश्वास किया उन्हें बहुत खुशी हुई, उनको बहुत अच्छा लगा कि खुदावंद ने मेरे दिल में शांति दी, क्योंकि उनके दिल में शांति नहीं थी, सब कुछ था, सब चीज़ होने के बावजूद भी माता पिता की लाडली होने के कारण, अपने भाइयों की लाडली होना के कारण और अपने बाप की लाडली होने के कारण जो वो शांति नहीं थी उनको, क्योंकि जो हमारी नानी थी वो बहुत जल्दी चली गई थी, छोटी उम्र में पैदा हुए जब मेरी मम्मी, तभी वो चली गई थी।
तो इसलिए ये उदास रहती थी, परेशान रहती थी मम्मी। तो जब इन्होंने ये सॉन्ग को सुना तो उनके जीवन में बड़ी शांति लगी। फिर वो रेगुलर प्रार्थना में लगी रहती, जैसे हम लोग छोटे थे और मम्मी रेगुलर प्रार्थना करती रहती। रोज उनका टाइम था कि उन्होंने 12 बजे रोज प्रार्थना करनी है, रोज उन्होंने अपना काम करना है, दो दो चार चार पाँच पाँच घंटे उन्होंने व्यतीत करने हैं प्रार्थना में। जब ऐसे होते 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 कुछ समय बीत गया, प्रार्थना रेगुलर चलती रही, करते रहे करते रहे। करने के बाद उनको एक दिन ऐसा हुआ तो प्रभु ने उनको होली स्पिरिट का वरदान दिया। जब होली स्पिरिट का उनको वरदान मिला तो मम्मी हमेशा ही दरवाजे खोल के, खिड़कियां खोल के अपने रूम में प्रार्थना करती थी। लेकिन जिस दिन प्रभु ने होली स्पिरिट का उनको वरदान देना था, उस दिन उन्होंने 7 दरवाजे बंद कर दिए। 7 दरवाजे बंद करने के बाद जब वो बहुत देर तक प्रार्थना करती रही और खुदावंत ने उनको पवित्र आत्मा का वरदान दिया, उसके बाद जो उनका जो जीवन और भी आगे बढ़ता चला गया, उनको एक और भी वरदान मिला, वो था चंगाई का वरदान। तो जिस पे भी वो गांव में हाथ रखती थी वो चंगे हो जाते थे। इस गांव में खेमकरण में जिसके ऊपर भी वो हाथ रख देती थी, खुदावंत उनको शिफा देता था। और ऐसे करते करते वो पहली लेडीज थी जो जैमसी हमारे गांव में बोलती थी, और आज हमारे गांव में सब जितने भी क्रिश्चियन हैं सब जैमसी बोलते हैं। लेकिन वो पहली ऐसी लेडीज थी जो जैमसी की, जिन्होंने शुरुआत की यहाँ से। एक तो खुदावंद का धन्यवाद है। और आस्ते आस्ते वो जगह जगह जा जाके, गांव गांव में जा जाके प्रचार करने लगी, और जहाँ जहाँ भी हाथ रखती थी खुदावंद उनको शिफा करता था। और ऐसे ऐसे ही बहुत कलीसिया बन गई। उसके बाद सडनली हम लोग पंजाब से बाहर चले गए, मम्मी बाहर चले गए, हम लोग हमारी फैमिली, हमारे फादर बाहर हमें ले गए। और हमारा जो, हम लोग छोटे थे उस समय, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत छोटे थे। तो पंजाब के बाहर में जो हमारे फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते थे, मम्मी प्रार्थना करती थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। और इधर जो थी मेरी मम्मी, जब वो जिससे पहले तो कोई उनको कुछ नहीं कहता था, लेकिन जैसे वो मसीह में आ गई तो उनके ऊपर सताव शुरू हो गया, बहुत सताव, इतना सताव कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगी। उनके ऊपर मारना, उनके परिवार ने उनके ऊपर मारना, इवन मेरे डैडी ने भी उनको मारना, बहुत मारना। लेकिन उन्होंने जब प्रभु को पा लिया तो उन्होंने फिर छोड़ा नहीं उनको, क्योंकि उनको यही था कि बस शांति हो गई है तो खुदावंद मेरे साथ है। जब उनको, जैसे उनकी सारा परिवार, ससुराल का सारा परिवार बहुत तंग करता था, मारता भी था, लेकिन उनको चोट नहीं लगती थी, क्योंकि खुदावंद ने उनको कहीं रखा था, चुन के रखा हुआ था। क्योंकि खुदावंद के काम बहुत अनोखे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं खुदावंद। तो ऐसे ही फिर मेरे फादर बाहर चले गए, तो हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, 10 नौकर सुबह काम करते थे, शाम को भी करते थे, तो किसी भी कमी चीज़ की नहीं थी, किसी भी घटी चीज़ की नहीं थी। तो ऐसे करते करते घर में डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे और मम्मी को पिटाई भी कर देते थे। और एक ऐसा समय आया कि मम्मी ने सोचा कि अब मैं छोड़ ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई, पंजाब से बाहर भी हो गए, और उन्होंने गुस्से से छोड़ दिया प्रभु को, कुछ समय के लिए छोड़ दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वो 3 मंजिल से ऊपर से गिर गई। 3 मंजिल से गिरने के बाद उनको फिर प्रभु ने दर्शन दिया और वो 3 दिन मतलब होश रही। 3 दिन तक उनको कोई होश नहीं था, तब मैं छोटी थी, इतनी होगी थोड़ी सी, तो उस समय मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, 7-8 साल की होगी। तो मम्मी जब गिर गई तो उन्होंने, उनको कोई होश नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो जैसे ही वो डॉक्टर है उनको टच करते थे, छूते थे, तो वो मना कर देती, तो उसके बाद भी होश हो जाती थी। तो उन्होंने बहुत सारे, मेरे अंकल उस समय डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर, तो बहुत सारे डॉक्टर हमारे घर में भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि
आप इस राज्य इनको इनकी हालत में ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद वो वैसे ही मम्मी उसी हालत में रही, लेकिन 3-4 दिन जैसे बीत गया, तीसरे दिन संडे का दिन था, तो खुदावंद ने उनको दर्शन देके ऐसे खड़ा कर दिया, उनको दर्शन मिला, उसके बाद वो खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो वो मेरे को बोल रही है, मम्मी कह रही आप चर्च नहीं गए, क्योंकि हम कभी कभी जाते थे, डैडी गुस्सा करते थे लेकिन कभी कभी जाते थे हम चोरी चोरी, डैडी से चोरी चोरी। तो फिर मम्मी बोली चर्च नहीं गए, तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी आप तो गिर गए थे तो हम चर्च कैसे जाते। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं आप तैयार हो जाओ। तो हम लोग तैयार होके सारे भाई बहन चले गए, और जब हम लोग आए वहाँ से तो मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक थी, बहुत सुंदर कपड़े पहन के बैठी हुई हैं, और खाना मम्मी ने बहुत सुंदर हमारे लिए बनाया। ऐसे करते करते वो फिर यहाँ पे आके दोबारा सेवा करने लगी प्रभु का, और उसी अपने शहर में भी, वहाँ पे बिहार में भी बहुत सेवा करने लगी, कोड़ियों की जाना, पट्टी बांधनी, सेवा करनी, कीड़े निकालने, सब कुछ करना उन्होंने, बहुत सेवा, मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगी, इतनी सेवाओं करने लगी, जा जा के अपने पैसे से सब कुछ से सेवा करने लगी, क्योंकि उनको खुदा, उन्होंने छोड़ दिया था लेकिन खुदा ने फिर उनको पकड़ लिया। फिर जब सेवा करने लगी, सेवा करते 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 वो पंजाब में आके पहले भी सेवा करती थी, और फिर दोबारा वो आके गांव गांव में सेवा करने लगी, सेवा करने लगी। तो उसके बाद जैसे जैसे वो सेवा ज़्यादा गांव गांव में करती थी, आती थी 3 दिन लगा के सफ़र करके, और फिर यहाँ पूरा प्रचार करके आसपास के जगहों में प्रचार करके, और फिर 3 दिन का सफ़र करके फिर चली जाती थी, और हम सब बच्चे अपने घर पे रहते थे। और जब बच्चे हम लोग घर पे रहते थे और मम्मी अकेले आती थी, और जब वो यहाँ से जाती थी पंजाब से, तो उनके पैर जो इतने इतने सूजे होते थे, काले काले सूजे सूजे होते थे पैर, तो मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी क्या आप कह जाते हो, क्या करने जाते हो, छोड़ दो, मत जाओ, रहने दो। मैं बहुत गुस्से होती थी, मैं कहती थी नहीं मम्मी नहीं, मैं तो कभी नहीं सेवा करूँगी भाई, ये तो बहुत बुरा हाल है। तो मम्मी कहती थी नहीं, खुदावंद की बुलाहट होती है तो हमें सेवा प्रभु की करनी है, करनी चाहिए। तो मम्मी हमें समझाती थी लेकिन हम तो सुनते नहीं थे, मैं तो स्पेशली नहीं सुनती थी, लेकिन धार्मिक थी मैं, प्रार्थना भी करती थी, लेकिन मेरा मम्मी का जो जीवन देख के, इतना कठिनाई का जीवन देख के, तो मुझे दुख लगता था कि नहीं मैं नहीं सेवा करनी, मैं तो नहीं आऊँगी। मम्मी कह रही तेरी सेवा लिखी हुई है, मैं कहती थी कि नहीं मम्मी मैंने नहीं सेवा करनी, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में गाना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे करते करते मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मैंने म्यूजिक की ट्रेनिंग की, रेडियो की, रेडियो टीवी देश विदेशों में मैंने प्रोग्राम किया, टीचर भी स्कूल में लगी, खुदावंद मेरे साथ थे, 35-35 स्कूलों के कंपटीशन हमारे साथ होते थे, लेकिन खुदा हमें विजय देता था, क्योंकि खुदावंद वहाँ 5 टीचर होते थे, मैं अकेली टीचर होती थी, लेकिन खुदावंद मेरे साथ थे और हमेशा ही वो मेरी मदद करते थे, और हम लोग हमेशा जीत के आते थे अपने स्कूल में। तो बस मैं ऐसे ही मेरा चलता रहा। मम्मी कहती थी कि तुम गीत गाओ, मैं थोड़ा थोड़ा कभी घर में गा लेती थी लेकिन मेरा इतना नहीं होता था, कभी कभी मम्मी के साथ पंजाब आ गई नहीं तो नहीं। ऐसे करते करते 2013 में क्या हुआ कि मैं शाम के समय अपने स्कूल से वापस आई, क्योंकि मेरा स्कूल बड़ा था और काम ज़्यादा होता था, कभी रुक के कुछ काम करना या कुछ और भी था, जैसे कोचिंग भी मेरी रहती थी, पर्सनली कोचिंग भी रहती थी मेरी, फिर वो करना, और उस समय मतलब कुल मिला के 35,000 मेरी सैलरी हो जाती थी टोटल। तो ऐसे करते करते मैं सुबह 7 बजे जाती थी, शाम को 7-8 बजे आती थी। तो करते 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 मैं अपना उसी में लगी हुई थी, और फिल्म इंडस्ट्री की मैं तैयारी कर रही थी, फिल्म में गाना है। तो 2013 में ऐसा हुआ कि जब मैं एक शाम जब मैं आई तो मैंने देखा कि मम्मी जल्दी उस दिन में आ गई थी, और मैंने देखा कि मम्मी छत के ऊपर बैठी हुई हैं और कुछ कपड़े सूख रहे हैं। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ये क्या है, ये कपड़े आपके इतने सारे क्यों? उन्होंने बोला कि नहीं मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता, तुम सिर्फ अपने स्कूल में लगी रहती हो। तो मैंने कहा नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए
आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपने मुझे बताया नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं रिजाइन कर दूंगी। तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैंने तो तुम्हें बहुत बार बोला है रिजाइन कर दो, तुम छोड़ दो, प्रभु की सेवा करो। लेकिन मैं जिद्दी थी बहुत, मैं कहती थी कि नहीं, मैंने इतनी मुश्किल से म्यूजिक सीखा है, सब सीखा है, अब मैं सेट हूँ, मैं नहीं जाऊँगी सेवा में। फिर 2013 में ऐसा हुआ कि जब मम्मी की मैंने हालत ऐसी देखी, थोड़ी कमज़ोर देखा मम्मी को, आत्मा में तो बहुत बलवान थी लेकिन वो थोड़ा वीकनेस था उनको, कमज़ोर था। उसके बाद मैंने कहा मम्मी मैं रिजाइन करके आती हूँ, और जैसे मैं रिजाइन करने गई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मैं डॉक्टर के पास मैं जल्दी जल्दी गई, ऐसे बहुत हैवी एक्सीडेंट था वो, तो ऐसे मैं रोड पे गिर गई, रोड पे गिर गई, सब चोटें लग गई, सब कुछ यहाँ वहाँ बड़ी सूज आ गई, बहुत चोटें आ गई। तो खुदावंत ने, फिर भी पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, दिल्ली में तो बहुत गाड़ियाँ होती हैं, फिर भी खुदावंत ने मुझे बचाया। तो उस जैसे ही मैं गिरी तो तुरंत, मतलब तुरंत खुदा के फरिश्तों ने मुझे बल दिया, खुदा ने बल दिया, मैं उठ उठ खड़ी हुई और मैं तुरंत बैठ गई रिक्शे पे बैठ के अपना डॉक्टर के पास गई। मैंने मम्मी को फ़ोन नहीं किया, डॉक्टर के पास थोड़ा दिखा के मैं घर गई। तो फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है, ये सब शैतान की ताकत है। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, खुदावंत का धन्यवाद है कि तुम जीवित हो। तो मैंने भी खुदावंत का धन्यवाद किया कि खुदावंत आपका मैं शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे जिंदा रखा। ऐसे ही 15 दिन बीत गए और मेरा इतना यहाँ सूजा हुआ था, यहाँ सूजा हुआ था, सब कुछ सूजन था, सब जगह था, बहुत चोट लगी हुई थी। तो मैं अपने सोफे पे लेट के खुदावन का धन्यवाद कर रही थी। ऐसे ही सुबह सुबह 4 बजे, मेरी आदत है सुबह 4 बजे, सारे परिवार की आदत है 4 बजे उठ के प्रार्थना करने की। तो ऐसे ही मैं प्रार्थना कर रही थी सुबह 4 बजे उठ के। 4 बजे के उठने के बाद जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो इतनी जोर से प्रभु का आवाज़ आई मेरे कान में कि मैं तुम्हें प्यारी बेटी अपनी सेवा के लिए बुलाता हूँ। और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्रभु जी मैं हाजिर हूँ, प्रभु जी मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। तो फिर मम्मी दूसरे कमरे में सोई हुई थी, तो मम्मी ने बोला कि शायद ये दर्शन देख रही। तो प्रभु, फिर मम्मी भी उधर धन्यवाद 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 मम्मी भी करने लगी। तो मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैंने कहा प्रभु जी आपका धन्यवाद, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए, खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है। मैं इतनी जोर जोर से, मतलब मैं इतनी जोर से, मैं इतनी जोर से बोल रही थी कि पूरा गूंज रहा था। तो मम्मी भी हाले लुया हाले लुया हाले लुया, मम्मी भी जोर जोर से बोल रही है। तो जैसे मैंने आमीन किया, काफ़ी देर समय लग गया, मैंने जैसे ही आमीन किया तो मैंने देखा अपने आप को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी छोटे नहीं थे, कुछ भी नहीं। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, उनका शुक्र करती हूँ, हालेलुया खुदावन, मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैंने देखा कि मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ, मेरे को कहीं भी चोटें नहीं लगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना सूजन है, ना कहीं दर्द है, और कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि मैं इतनी फर्स्ट एड थी कि मैं सोफे पे सो रही थी। तो खुदावन का शुक्र है कि उसने तुरंत मुझे उस आवाज़ के द्वारा मुझे, सबसे पहले तो मुझे चंगाई दी उन्होंने, खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब करूँ क्या, खुदावन मैं कैसे करूँ। तो मम्मी कहती कि, मैंने फिर प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु जी कैसे करूँ, क्या आप बताएं, गाइडलाइंस करें कि मैं क्या करूँ। तो खुदावन ने फिर मेरी मदद की, तो मम्मी ने कहा कि तुम जबूर गाओ। तो मैंने कहा जबूर तो मुझे नहीं आते, मम्मी कहती वो मुझे आता है, यार रब तू मेरी पना है, वो गाया मम्मी ने सिखाया मुझे। फिर मम्मी ने खुद आया तेरी रूह से, वो भी सिखाया, और सबर दे नाल आस रख के, और कुछ जो पॉपुलर जबूर हैं वो जो थे उस समय, जो मम्मी को थोड़े थोड़े याद थे, वो उन्होंने सिखाया, बोले तुम इसी के ऊपर काम करो। तो मैं फिर जबूरों के ऊपर काम मैंने किया, शुरू किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या। तो फिर मैंने पहले वॉल्यूम किया खुदाया तेरी रूह से, उसमें सबर दे नाल आस रख के, यार अब तू मेरी पना है, और भी सॉन्ग जबूर थे, 6 सॉन्ग थे उसमें। 6 सॉन्ग करने के बाद मेरे जो, पहले तो समझ में नहीं आया जैसे मैं करूँ क्या, जैसे मैं
घर से निकली तो आज से 10 साल पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी अपने स्कूल की, स्कूल के लिए, तो मेरे कदम उधर बढ़ गए। तो मैंने उनको बोला कि मैं प्रभु के लिए गाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि 30,000 लगेगा। तो मैंने कहा 30,000? कह रहे हाँ 30,000 लगेगा। तो मैंने कहा भैया थोड़ा कम कर दो, तो वो बोले कि अच्छा 30 नहीं, चलो 15 दे देना। तो खुदावंद का शुक्र है, तो वो 15 मैंने उनको दिए, 15,000। तो मैं बहुत खुश, मम्मी ने बोला अच्छा, मैंने आके बताया मम्मी 15,000 में बात हो गई, 15,000 में वो हमारी रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो जैसे रिकॉर्डिंग करके आई, ऑडियो हो गया, सब हो गया, उसके बाद मम्मी से मैंने बोला मम्मी अब ऑडियो तो नहीं सुनते हैं लोग, वीडियो पसंद करते हैं, तो वीडियो भी करते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात किया कि अब मुझे वीडियो करना है, तो उन्होंने बोला कि 50,000 का खर्चा। मैंने बोला भैया थोड़ा कम कर लो, तो उन्होंने बोला चलो 25 में तुम हम तुम्हारा वीडियो कर देंगे। तो कहाँ 50 और कहाँ 25 है, तो खुदावंद का शुक्र है। तो इतने में हो गया, तो पहली एल्बम ऐसे हो गई, फिर दूसरी भी मैंने की लश्करांदा खुदा, फिर मैंने तीसरी एल्बम की मेरी दुआ हन पहुँचे, मेरी दुआ जैसे मैंने की, तो उसमें मैं 5 घंटा, मतलब जैसे मैंने एक बार शूट कर लिया मेरी दुआ, मेरी दुआ करने के बाद मेरे मन में फिर वो प्रभु का आत्मा रो रहा था। मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि ठीक नहीं है, मैं एक बार फिर उसको करना किया। मैं जैसे सुबह करने लगी दूसरा सॉन्ग, तो मेरे दिल में अलाउड नहीं हुआ, प्रभु के आत्मा ने मुझे नहीं करने दिया। तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि नहीं, हम उसी को जो कल शूट किए थे उसको ही फिर दोबारा करते हैं। तो फिर मैंने उसको शूट किया, मेरी दुआ होने पहुँचे, मेरी दुआ होने पहुँचे बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ होने पहुँचे बिच तेरे हजूर, मेरी दुआ। इसको मैंने अपने चैनल पे डाला, उसको करने के बाद यूट्यूब पे जीजस लव्स यू चैनल है उस पे डाला। और इसको जब मैंने गाया, गाते ही खुदावंद का इतना ब्लेस हुआ इस जबूर पे, मैंने इतनी ब्लेसिंग मैंने पाई, और मेरी टीम ने भी इतनी ब्लेस हुई, उनको जितनी मेरी टीम है सबको ही बहुत खुदावंद ने आशीष दी। और कुछ हमारे फाइनेंशियली मसले थे, उनको भी खुदावंद ने हल किया, क्योंकि मैं रियल में उसमें रोती रही बहुत देर तक, बहुत रोई। उसके बाद मैंने 5 घंटे और रोती रही कि मैंने कहा प्रभु जी आप सारे जितने भी मेरे मसले हैं, फाइनेंशियली मसले हैं, दूसरे मसले हैं, उन सबको भी प्रभु जी आप ठीक करें। तो मैं रियल में रोते रोते मैंने दुआ की थी, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जब मैंने शूट भी कर लिया उसके बाद भी मैं 5 घंटे रोती रही कि खुदावन ये जितने भी मसले हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, सबको आप दूर करें। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम कुछ आई, उसको भी मैंने कहा प्रभु जी आप दूर करें। तो जैसे ही मैंने ये मेरी कैसेट हो गई, उसके बाद हम लोगों ने ये चर्च की जगह जो है यहाँ पे ले ली, खुदावंत ने हमें दी। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उसको भी खुदावंत ने ठीक किया, क्योंकि महान परमेश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बड़े बड़े और भी उन्होंने खुदावंत ने और भी जो दिक्कत हमारी परेशानी थी वो भी ठीक किया। फिर हमने पंजाब में भी अपने हमारा घर तो था ही, फिर यहाँ पे भी चर्च लिया, फिर हम दिल्ली में भी हमने अपने अपना घर लिया। खुदावंद ने हमें बहुत बरकतों से नवाजा, बहुत हमें सारे भाई बहन को अपना अपना घर दिया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम लोग 4 भाई बहन हैं, लेकिन सबका है, सबके पास अपना अपना घर है। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि जब हम खुदावंद के वचन के द्वारा या उनकी बातों को या उनके आवाज़ को हम सुनते हैं और चलते हैं, तो खुदावंद हमें ब्लेसिंग करते हैं। और ये अनुभव मेरा अपना है, क्योंकि खुदावंद की आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो खुदावंद हमें बहुत आशीष देते हैं, और बहुत सारे लोगों को खुदावंद और भी लोगों को आवाज़ देते हैं, लेकिन वो नहीं सुन पाते हैं, उनको वो समझते नहीं हैं, तो वो अपनी आशीष को खो देते हैं। तो इसलिए ये भी है कि हमें खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, उस पर चलना है। आज खुदावंद की दया से मैंने अभी 80 जबूर कर दिए हैं, और खुदावंद अभी 20 जबूर की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो खुदावंद की इच्छा हो गई तो और भी
हम 150 जबूर खुदावंद की महिमा के लिए करेंगे, क्योंकि जो जितना भी हम इस धरती पे रह के खुदावंद के लिए काम कर ले हमारे लिए कम है, क्योंकि हम मुसाफिर हैं। हमें नहीं पता कि हम कितने दिन का हमारा सफ़र है, हम कब तक हैं। हमें खुदावंद ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ खुदावंद ने, सबसे पहले तंदुरुस्ती दी है खुदावंद ने, और सारे भाई बहनों को तंदुरुस्ती में रखा है। खुदावंद का शुक्र है, सबको इतनी सब अपने सबका अपना अपना घर है, खुदावंद ने अच्छी अच्छी पोस्ट पे रखा है। तो खुदावंद का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सबको खुदावंद ने, हमारे सारे भाई बहनों को बहुत आशीष किया, और जो मेरे साथ टीम है, जो जबूरों में मेरी सहायता करती है, कैमरामैन टीम, ऑडियो टीम, सबको ब्लेस किया है खुदावंद ने, सबको। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको खुदावंद ने ब्लेस नहीं किया, सबको ही उनके कामों में खुदावंद ने बहुत सारी बरकत डाली है। तो खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ, और आप लोग भी, आप लोग जो मेरी गवाही को सुने हैं, आप लोग को भी खुदावंद बहुत आशीष और बरकत दे, और खुदावंद की महिमा के लिए जब तक हम जीवित रहें खुदावंद की महिमा करते रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। और मेरी यही दुआ है कि जब तक मैं जीवित रहूं खुदावंद की महिमा करती रहूं, जब तक हम मेरा घराना है जीवित है तब तक खुदावंद की महिमा करते रहें। आज खुदावंद की दया से बहुत बड़ा खेमगढ़ में चर्च है, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है, और आप सबको खुदावंद बहुत आशीष दे, बरकत दे, और आप लोगों को किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो, ये मेरी दुआ है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।